शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हां जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओली। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और रात का जो आशियाना था हमारा यही था, छोटा सा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। ये देखिए, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह आपको पता चल जाएगी। और ओली के जो नज़ारे थे भाई साहब, कल के शाम के बहुत ही ब्यूटीफुल थे। मज़ा आ रहा था बहुत भाई, सीरियसली हट में रुकने का ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हाँ बिल्कुल, अलग ही एक्सपीरियंस था और नज़ारों का तो क्या ही कहना। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिएगा। ये लो जी, ये आ गए हम अपनी हट के बाहर और बाहर का नज़ारा ये देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है सी। और चिड़ियों की चहचहाहट, सामने वहां से सनराइज होगा, उधर देखो सनराइज हो रहा है एक पीक पर, जो रोशनी जिस पीक पे रोशनी पड़ रही है ना वो नीलगिरी पर्वत है। अच्छा, ये वाला नीलगिरी है बड़े वाला। और ये दोनों, एक हाथी एक घोड़ा, इनको बोलते हैं हाथी घोड़ा। कौन से वाला? ये हाथी ये घोड़ा, ये हाथी हाँ और ये घोड़ा घोड़ा, इनको बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी। ओके, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा हिस्ट्री पता है? नहीं, अभी वो अंकल ने मुझे बताया कि इनको हाथी घोड़ा पालकी बोलते हैं, उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। और वो जो पीछे छोटे वाली पीक दिखाई दे रही है, वो दिख छोटी रही है बट वो सबसे ऊंची पीक है यहाँ की, और उसको उन्होंने कालंदी बताया था आई थिंक। ओके, तो बता रहे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा है। और वो देखिए, वहाँ से रेज निकल रही है सूरज की, थोड़ी देर में सनराइज हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए, टॉर्च की जैसे लाइटें होती है ना वैसे निकल रही है, देखो एक एरी एक एरी एक एरी। पानी लेने गई ना हाँ। तो अंकल ने मुझे सारा बताया, हाथी घोड़ा नीलगिरी पर्वत ऐसे सब कुछ बताया। अच्छा, अंकल यहाँ बैठे चाय पी रहे थे ना अंदर। ओके, चाय मिल जाएगी क्या? पीनी है चाय? हाँ मंगा लो, चार नहीं भैया, तीन चाय, तीन 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 कर दो, तीन कर दो, हाँ तीन कर दो। वो बताती हूँ, वो हाथी है। तैयार सब हो चुके हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये है इस रिजॉर्ट की पार्किंग, और है हमारे रूम्स। शानदार नज़ारा, शानदार, पूरी की पूरी सीट गीली है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये देखो, रात को ओस गिरी होगी ना, ठंड बहुत थी रात को, मेरे ख्याल से 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा रात का। बाइक इतनी गंदी हो गई है पूछो मत, एक बार आगे भी कपड़ा मार लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी दूर जाके फिर दोबारा गंदी हो जानी है। चलो जी, शुरू किया जाए आज का सफ़रनामा। बाय बाय ओली, फिर दोबारा मिलेंगे, मज़ा आ गया। बाइक पे बैठना है क्या? नहीं। हाँ चलो बैठो बैठो, बाद में देखेंगे। तो जी हाँ, हमें पहुंचना है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ यहाँ से 50 या 55 किलोमीटर है, और मैक्स टू मैक्स हम 2.5 या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, होप सो।
क्योंकि यार सब कुछ रास्ते पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप पिछले व्लॉग देख ही रहे होंगे, हमारे साथ जो घटनाएं हैं कुछ अजीबोगरीब घट रही हैं और हम उनको घटा रहे हैं। मतलब कि यार हमारा जहां मन करता है ना हम वहां रुक जाते हैं। थैंक्स फॉर विजिट एट स्की रिजॉर्ट ओली। तो भाई मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ओली आते हैं, जोशीमठ आते हैं, तो इस वाले रिजॉर्ट में रुकिए। हालांकि पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे आपके, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर मैं फ़ोटोज़ और जो स्टोरीज़ हैं वो डालता रहता हूँ, लाइव अपडेट्स। तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको एक से बढ़कर एक जो नज़ारे हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो देखने को मिलेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैंने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी कलेक्शन बनाई हुई है, मज़ा आएगा आपको देखकर। तो फॉलो करिए डीजी द वांडरर को, स्क्रीन पर आपको जो हैंडल है वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर। हाँ जी, एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया मैं, जय माता दी, जय बद्री विशाल, जय भोले, जय केदारनाथ बाबा की। और ये रहे हमारे आर्मी के जवान जो आगे की तरफ जा रहे हैं, सैल्यूट है यार इनको। थैंक यू सर जी, हमारे नेशन को गार्ड करने के लिए। और यार एक सैल्यूट तो बनता है ना। जब भी आप किसी भी जवान को देखो, हमारे आर्मी भाई को देखो, तो एक सैल्यूट ज़रूर करिए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, एक प्राउड फीलिंग होगी आपको। मुझे तो यार बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं अपने जो सेना के जवान हैं उनको देखता हूँ, जो हमारे सीमा की सुरक्षा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हम आप लोग तो घरों के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन असली जो हीरो हैं वो यही लोग हैं। एक मिनट, यहाँ पर उतरते हैं। तो ओली से नीचे आ चुके हम, और ओली यहाँ से ऊपर जाते हैं तो 14 किलोमीटर पड़ता है, जोशीमठ 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। और ये रहा जोशीमठ का मेन द्वार। तो अभी गाड़ी हमारी पीछे है थोड़ी सी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाथी पर्वत यात्री निवास नगर पालिका परिषद जोशीमठ, नगर पालिका परिषद जोशीमठ की गाड़ी आपके द्वार आई है, कृपया कूड़ा गाड़ी में डालें। पांडुकेश्वर 12 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से लगता है कि विष्णुप्रयाग आ गया है, लग तो रही है वही विष्णुप्रयाग। तो भाई ये है मारवाड़ी पुल, हम रुकेंगे विष्णुप्रयाग में, लग तो यही रहा था यार। ओम 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 ओम। बद्रीनाथ रह गया है 35 किलोमीटर, 35, और रोड कंडीशन हो गई है अब ख़राब थोड़ी सी। पांडुकेश्वर, जी हाँ हम पहुँचे हैं पांडुकेश्वर, और यहाँ से बद्रीनाथ है 21 किलोमीटर। मेरे ख्याल से हम मैक्स टू मैक्स पहुँच जाएंगे 1 घंटे के अंदर। बाकी हम यहाँ पर रुके हैं नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट में क्या ऑर्डर किया? 3 पराठे 1 मैगी ओके, और 3 चाय। 3 चाय, पराठे, मैगी, चाय, यही चल रहा है। यही चल रहा है हर दिन। तो ये है पांडुकेश्वर,
हाँ जी, तो मौसम बहुत सही है इस टाइम, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, आसमान में भी बादल नहीं है, नीला नीला आसमान लग रहा है पूरा, और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ये जो वादियाँ हैं ये लुभा रही हैं हमें। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, सीरियसली मज़ा आ रहा है। क्या हुआ, काम कर रहे हैं? कहाँ पर? आगे 6 किलोमीटर आगे सर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या चीज़? तो भाई को लिफ्ट चाहिए, तो इनको बैठा लेते हैं यार, आगे तक छोड़ देंगे। कहाँ उतरना है? अच्छा, काम चल रहा है। ओके, हाँ आगे किसी कैंप में काम करते हो? अच्छा, ओहो, हाँ। ओके, अरे हे, कलर देखो उधर कितने सही लग रहे हैं। हाँ वो निकालते हैं लाल वाला ना। हाँ हाँ हाँ, आटा जैसा बनता है। आटा बनता है उसका? ओ देखो कितने सही कलर लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एंट्री होगी मेरे को लग रहा है। हाँ, हो गया। चलो जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गई। चलो भाई, ओके बाय। ये हो गई शुरू लामबागढ़ वाली जो वाटर क्रॉसिंग है। अभी मुझे नहीं पता कि कितना पानी होगा या नहीं होगा, मुझे लग रहा है पुल बना दिया शायद। बाकी पहाड़ देखो भाई साहब, पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये, सी। अभी तक तो कोई वाटर क्रॉसिंग नज़र नहीं आई, सब नीचे से कर दिए लग रहा है। ये देखो सब अंडरग्राउंड। मस्त रोड आ गया भाई, मस्त रोड आ गया। हनुमान चट्टी में आपका स्वागत है। ये लीजिए, ये पहुंच गए हम हनुमान चट्टी में। जय हनुमान जी की। सो गाइस, हम पहुंचे हैं हनुमान चट्टी, और यहाँ की भी अपनी एक मान्यता है, हिस्ट्री है। बाइक मैंने वहाँ पर खड़ी कर दी है अपनी, और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्थान पर जो व्यक्ति बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ की जो हिस्ट्री है कुछ ऐसी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हनुमान चट्टी है, यहाँ हनुमान जी का प्राचीन स्थान है, यहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए थे। किसी को तुच्छ ना समझो, किसी का अपमान ना करो, किसी को अप्रिय मत समझो, ये है दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। बाकी जो मंदिर है पूरा वो नारंगी कलर में बना हुआ है। सुमन पीछे रह गया, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक, वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक दुकान भी है, तो यहाँ पर आप जल पान ग्रहण कर सकते हैं। बद्रीनाथ यहाँ से 9 है, माणा 13। लगता है गाड़ियाँ धो रहे हैं लोग यहाँ पर। ओहो, ठंडा ठंडा पानी बह रहा है, वो देखो ये भाई अपनी गाड़ी धो रहा है वो भी नेचर के पानी से। बढ़िया यार, बढ़िया। तो जी हाँ, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, ये लास्ट चेक पोस्ट है बद्रीनाथ की। फाइनली वी आर हियर। तो लीजिए, ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है हमारी बद्रीनाथ धाम में। जय बद्री विशाल। ओके जी, तो ये है यहाँ का बस टर्मिनल। अभी तो हालांकि बिल्कुल बंद है सब कुछ। इधर माणा है, वासुधारा है, और जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा मंदिर को जाता है ये रास्ता।
मार्केट तो खुली हुई लग रही है। अब हमें लेनी है जगह, कहाँ पर लेंगे ये नहीं पता। तृप्त कुंड बद्रीनाथ मंदिर ये रहा, जय बद्री विशाल, यहीं से दर्शन कर लो यार। अभी सही से कराएंगे आपको वहाँ पर जाकर, लेकिन अभी यहीं से नज़ारे देख लो। यहाँ पर देखना पड़ेगा होटल वगैरह कहाँ है। हाँ ये ठीक है, पास की पास रहेगा, एकदम सामने है अगर मिल जाता है तो। तो हम पहुंच गए हैं माना विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज माना, और यहाँ पर अभी बाहरी व्यक्तियों का ग्राम में प्रवेश वर्जित है। और इससे आगे पड़ता है वासुधारा फॉल, 8 किलोमीटर आगे है, और कुछ बाबा और भीम पुल भी यहाँ पर है, बाबा आगे बैठते हैं तो जा नहीं सकते, कोई नहीं अगली बार ट्राई करेंगे। तो देखो भाई हमारे जो वीडियोस है कहाँ कहाँ नहीं देखे जाते, माना गांव तक देखे जाते हैं। ये भाई माना गांव से ही है, सुनील काला और यहीं पे रहते हो? अरे वाह यार क्या बात है, गोपेश्वर। चलो यार अच्छा लगा मिलके, मैं आपको देख रहा हूं। ये मास्क ने ना सबकी पहचान छुपा दी है, भाई ने ना मास्क में भी पहचान लिया, आपका वो डाल रखा था ना जो जब आपने आने के लिए डाला था, जब रिपोर्ट करवाया था। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के द्वार पर, और जस्ट हमारे पीछे है बद्रीनाथ का मंदिर, और पीछे आप देख सकते हैं नीचे की साइड अलकनंदा नदी बह रही है, और नज़ारा कुछ ऐसा है। इधर कुछ दुकानें हैं, इधर भी दुकानें खुली हुई है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। मौसम अभी बहुत सही हो रखा है, ठंड हो रखी है, हमने दोनों ने जैकेट वगैरह पहन ली है। चलते हैं मंदिर तक, चलते हैं और फिर दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ जी के। तो जी हाँ हमने दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर अंदर वीडियो कैमरा वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, और जो आरती है वो भी 7 बजे के आसपास होगी, और उसमें भी मेरे ख्याल से वीडियो कैमराज अलाउड नहीं होंगे, तो हम आरती को आपको दिखा नहीं पाएंगे। बाकी मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, अंदर हमने दर्शन किए बद्रीनाथ जी के, और इतना मतलब कि पास से पहली बार मैंने किया, 3 बार आ चुका हूँ और इतने आराम से दर्शन पहली बार हुए। भीड़ बिल्कुल नहीं है, बट ये है कुछ जगहों पे जाने नहीं दे रहे, तो थोड़ा अजीब लग रहा है बस। मतलब उधर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक परिसर है, तो वहाँ पर भी अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं सोच रहा था कि वहाँ से एक टाइम लैप्स ली जाए, लेकिन पॉसिबल हो नहीं रहा है। देखते हैं कहीं पर लगाते हैं टाइम लैप्स और आपको दिखाते हैं। ट्रैकिंग
ट्रैकिंग होगी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। ट्रैकिंग हमारी कल से स्टार्ट हो पाएगी क्योंकि आज रात को हम सोनप्रयाग पहुंचेंगे, फिर वहां से कैब लेके गौरीकुंड। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se oscita.